हरे कृष्णा। तो आज का हमारा प्रश्न है कि व्यक्ति जानते हुए भी गलत कार्य क्यों करता है, ऐसे कार्य जिसे वो जानता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं वो करूंगा तो मुझे सिंस लगेगा, लेकिन फिर भी करता है, क्यों? वो जानते हुए स्टिल दे आर डूइंग, व्हाई? आज व्यक्ति एक छोटे से अपने फायदे के लिए दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर दे रहा है। जैसे हमने रिसेंटली एक घटना देखा, एक बच्चे ने अपने ही स्कूल के बच्चे का मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे एग्जाम्स के डेट बढ़वाने थे, इसलिए उसने उस बच्चे का मर्डर कर दिया। कितना बड़ा कदम उठा लिया उसने, देखिए। या फिर हम देखते हैं कि व्यक्ति लोग आज अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, या फिर पति पत्नी एक दूसरे से चीट कर रहे हैं। क्या नहीं जानते वो कि हम गलत कर रहे हैं? जानते हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। या फिर आप देखिए कि एक मैच्योर व्यक्ति भी आज नशे का शिकार हो रहा है, ड्रग्स ले रहा है, पॉर्न देख रहा है। क्या वो नहीं जानता कि नशा करना, ड्रग्स लेना, पॉर्न देखना, बूढ़े माँ बाप की सेवा ना करना, पति पत्नी से चीट करना, ये सब गलत बात है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, आखिर क्यों? यही प्रश्न अर्जुन भगवद गीता में भगवान कृष्ण से पूछते, कहते हे कृष्ण, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुषः। हे विष्णुवंशी कृष्ण, ना चाहते अभी भी मनुष्य पाप कर्मों में प्रेरित क्यों हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बलपूर्वक उसमें फोर्स कर रहा है। कौन है वो? कृष्ण उत्तर देते हुए गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, क्या? श्री भगवान उवाच, कामये स क्रोधये स रजोगुण सम दुभवा महासनो महापापमा विद्धे न मही मेरिनम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न हुआ काम है। कौन है? लस्ट। लस्ट मतलब सिर्फ सेक्स डिजायर नहीं, एनी डिजायर विच डिस्ट्रैक्टिंग यू, दैट इज लस्ट डिजायर। बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और इस संसार का सर्वभक्षी सबसे बड़ा वो पापी शत्रु है। देखिए भगवान यहां पे क्रोध और रजोगुण को सर्वभक्षी, जो सब कुछ खत्म करने वाला है, ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन, ऐसा भगवान बता रहे हैं। लेकिन आज हमारा क्या है, ये रजोगुण तमोगुण और क्रोध हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी है। अरे रजोगुण तो छोड़िए, हम तो तमोगुण में जी रहे हैं। अभी हमें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, बचना है तो हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर उठना होगा। उसके हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम क्रोध के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या इंद्रिय को कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल करना इतना आसान है? नहीं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, दैट्स rupanugadas.rgm। हरे कृष्णा।